इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम जिला और अतराफ में बारिश का कहर जारी है। निपानी में भी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, लिहाजा एक बार फिर धुआंधार बारिश ने होकेरी गांव को तालाब में तब्दील कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात आप देख सकते हैं। लाखों रुपयों का नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है। कई मोटरसाइकिल बह गई, कारों के बहने का नज़ारा भी हुक्केरी गांव वालों ने देखा और कई लोग बह गए, लिहाजा इन्हें नौजवानों ने बचा लिया। नज़ीर शेखड़ी नाम के बुजुर्ग शख्स की जान भी कुछ नौजवानों ने बचाई। नज़ीर शेखड़ी अपने नवासे के साथ जा रहे थे तो पानी की जद में आ गए। इस धुआंधार बारिश ने तमाम कारोबार ठप कर दिए गए। कई मकानात गिरने की भी इत्तला हासिल हुई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हुकूमत जिन गरीबों का नुकसान हुआ है इन्हें बतौर मुआवजा कुछ अदा करती है या सिर्फ जुमलेबाजी कर गुमराह कर देती है। वाजह रहे कि इससे पहले यही तजुर्बात आवाम को आए हैं हुक्केरी शहर के लिए। शायद यह तारीख ही बारिश रही होगी। इससे पहले भी पिछले साल काफी लोग बाढ़ से हुक्केरी और अतराफ में मुतासर हुए थे। कुछ तस्वीरें और बाढ़ जैसे हालात पर आइए एक नजर करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।